गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से चोरी की 10 बाइकें बरामद हुई हैं। दोनों आरोपी के कब्जे से गाजियाबाद के विभिन्न थाने क्षेत्रों से चोरी हुई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस द्वारा बरामद की गई गाड़ियों में से 8 स्कूटी और 2 मोटरसाइकिल है। स्टार्ट करें सर, सिहानी गेट थाने में दो लोगों को पकड़ा गया है, क्या आरोप है उनके ऊपर और किस तरह से वो वारदातों को अंजाम दिया करते थे? ये वाहन चोरी की जो घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए हमारी टीम काम कर रही थी। क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के नेतृत्व में ये टीम लगातार पिछले कई दिनों से कार्य कर रही थी और उसी के तहत इंस्पेक्टर सिहानी गेट की टीम ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है, जिसके तहत 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। कल शाम में इनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिलें हैं जिनमें से 8 स्कूटी है, 2 और मोटरसाइकिल है, इनको बरामद किया गया है। ये चोरी की अन्य कई घटनाओं में पहले से सम्मिलित रहे हैं। 5 जो मोटरसाइकिलें हैं उनमें से वो कनेक्ट भी हो गई हैं कि ये कहां से कितने बजे कब चोरी हुई थी, और बाकी जो 5 अभी मोटरसाइकिलें हमारे पास और हैं स्कूटी और मोटरसाइकिल, उनकी हम लोग पहचान की और उनके कनेक्ट करने के लिए हम लोग और प्रयासरत हैं। जल्दी ही उनको कनेक्ट कराया जाएगा और शीघ्र ही इस घटनाओं में, इस गैंग में और जितने लोग भी सम्मिलित रहे हैं उनकी सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, कहाँ बेचते थे, किस तरीके से, किस जगह इकट्ठा रहते थे? अभी पूछताछ से ज्ञात हुआ है और अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। गैंग के काफी लोग हैं जो जेल में अभी बंद है, अभी हाल ही में जेल गए थे, और उनसे भी हम लोगों को इंट्रोगेशन करना है। ये गाजियाबाद में कुछ जगहों पर और मेरठ में ये लोग बेचा करते थे और दिल्ली में भी इनके बेचने की हम लोग जानकारी प्राप्त हुई है, और भी हम लोग गहन पूछताछ कर रहे हैं। शीघ्र ही जो भी आ गया हम लोग कठोरतम कार्यवाही आगे करेंगे।